नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं 28 फरवरी 18 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर की क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे से लेकर के सिविल सर्विसेज का एग्जाम, हर एग्जाम में करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो करंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कोशिश करिए डेली करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करने का। जो कुछ भी आपको चीजें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से देखिए और साथ ही साथ अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाना शुरू करिए। जैसा कि हम डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है डिकोड एग्जाम के जो है टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी खुद की नोट्स बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स ही आपके लिए हेल्प करेगी आपके एग्जाम में रिवीजन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर आपके पूरे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से ही आजकल जो आपके स्टैटिक्स पोर्शन पूछे जा रहे हैं वो इसी से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप डेली अपडेट हो रहे हैं, जो सारी चीजें आपके न्यूज में है, जो सारी चीजें आपके इर्द गिर्द चल रही है, उसके प्रति आप अवेयर है, तो समझ लीजिए आधा एग्जाम तो आपने यही पास कर लिया, बाकी का एग्जाम आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में क्लियर कर लेंगे। तो इसके लिए डेली रेगुलर फॉलो करिए करंट अफेयर को, और आपको डेली इसके बारे में नोटिफिकेशन मिले तो इसके लिए जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको डेली करंट अफेयर की क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कभी भी कोई क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का पहला एग्री चैट बॉट अम्मा कृषाई किस राज्य में लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, ये पहला एग्री जो है चैटबॉक्स, इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था, सबसे पहला जो है लेक्सी नाम का एक चैटबॉक लॉन्च किया गया था, हमने कुछ दिन पहले आपसे इसके बारे में डिस्कस किया था। ये ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला जो एग्री चैटबॉट है जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित है, और नाम क्या है, अम्मा कृषाई, ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें, और जिन्हें आंसर नहीं पता है वो सेशन को ध्यान से देखें। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। देखिए, जिन्हें आंसर पता है वो भी सेशन को ध्यान से देखा करिए, इससे आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो जो उड़ीसा राज्य है वहां पे अम्मा कसाई जो है एक एग्री चैटबॉट लॉन्च किया गया, जो कि भारत में अपने तरीके का ये पहला एग्री चैटबॉट है। ध्यान रखिएगा, जिसकी बात करें, जो इस समय वर्तमान में जो उड़ीसा के राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल, इन्होंने जो कि वहां पे कृषि उड़ीसा समारोह चल रहा था 2023, उसके समापन सत्र के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए, ध्यान रखिएगा, ये कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट अम्मा कृषाई को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, अम्मा कृषाई जो कि भारत का पहला एग्रीकल्चर रिलेटेड चैटबॉट है, कहाँ लॉन्च किया गया है, ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया। ठीक है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था चैटबॉट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आर्टिफिशियल जो चैटबॉट होता है वो बेसिकली ये होता है कि जैसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी गूगल पे, तो आप क्या करते हैं, गूगल पे बहुत सारे जो कुछ आपको सर्च करना रहता है वो आप क्या करते हैं, सर्च इंजन में उसको जो है टाइप करते हैं, और गूगल आपको क्या करता है, बहुत सारे जो है लिंक प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से वो आपके क्वेश्चंस का आंसर के लिए कई सारे लिंक प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम इस चैटबॉट की बात करें दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल चैटबॉट है, ये लिंक नहीं बल्कि आपके प्रश्नों का डायरेक्ट उत्तर दे देता है। यानी कि जो कुछ भी आपको प्रश्न है, आपका जो क्वेश्चन है, वो अपना टाइप किए और ये चैटबॉट जो है वो आपका आंसर कर देता है। क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र से संबंधित जो कुछ भी चीजें हैं, समस्याएं हैं, उससे जुड़ी चीजें, कुछ भी जो है सूचनाएं हैं, जो कुछ भी कृषक को जानना है, किसान को जानना है, तो वो इस चैटबॉट के माध्यम से डायरेक्ट जो है उसके हर प्रश्नों का उत्तर उसको मिल जाएगा। यही है चैटबॉट। ठीक है, चूंकि ये भारत का पहला एआई एग्रीकल्चर, ठीक है, एआई चैटबॉट है, क्या नाम है, अम्मा कृषाई। ठीक है, अम्मा कृषाई की बात किया जाए दोस्तों, तो ये चैटबॉट किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के साथ मदद करेगा, जो कुछ भी जो है कृषि पद्धति उसमें ये क्या करेगा, सहायता करेगा उन्हें, जितनी भी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं और जो 40 से अधिक जो कॉमर्शियल बैंक है, जो देखा जाए जो गवर्नमेंट के बैंक है, यानी कि जो आप ध्यान रखिएगा पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, उनके ऋण उत्पादों के बारे में भी सूचित करेगा कि किस तरीके का जो है कृषि संबंधी जो ऋण है, जो लोन है, ये कॉमर्शियल बैंक जो है ये फिर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, किस तरीके के लोन है, ये सारी चीजें ये चैटबॉट जो है इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है,
यहाँ पे किस तरीके का आप ध्यान रखिएगा, ये जो चैटबॉट है किसानों को क्या कर रहा है, 40 से अधिक वाणिज्यिकी और सहकारी बैंकों से कृषि से जुड़ी जानकारियां देगा। जितने भी जो बैंक में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कुछ भी फैसिलिटीज है, जो गवर्नमेंट जो बैंक के द्वारा चलाई जा रही है, उससे संबंधित जो ऋण है वो सारी चीजें जो है वो बताएगा। जितनी भी जो प्रथाएं हैं कृषि से संबंधित, जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है कृषि से संबंधित, जो ऋण उत्पाद है, वो सारी चीजों की जानकारी कौन देगा, ये चैटबॉट किसानों को देगा। ठीक है, एक तरीके से ध्यान रखिएगा ये एक पायलट परियोजना है अम्मा कृषाई, जिसमें देखा जाए 10,000 से अधिक क्या किया जा रहा है, किसानों को शामिल किया गया है और अगले 2 महीने से इस पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ठीक है, अभी एज अ पायलट प्रोजेक्ट पे इस पे लॉन्च किया गया, फिर अगले 2 महीने में पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, भारत का पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल चैटबॉट अम्मा कृषाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, उड़ीसा में लॉन्च किया गया। ठीक है, जो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ उड़ीसा से रिलेटेड करेंट अफेयर रहा है जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि जनजातीय विश्वकोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों, उड़ीसा बन गया है। वही बात करें, राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है, कौन से राज्य सरकार ने, उड़ीसा राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल जो है। ठीक है, यहाँ पे बात करें पहले भारत में सतत तटीय प्रबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है मेजबान कौन है, वो है उड़ीसा। ध्यान रखिएगा जो पहला जो कि भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है उसकी मेजबानी कौन किया दोस्तों, उड़ीसा ने किया। वही बात करें राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की, कौन से राज्य सरकार ने, उड़ीसा राज्य सरकार ने। ठीक है, ये लंपी जो स्किन डिजीज है उससे रिलेटेड निःशुल्क टीकाकरण जो है किया जाएगा, ये कौन से सरकार के द्वारा, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। वही बात किया जाए विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों, उड़ीसा बन गया है। तो ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा से रिलेटेड जो है चीजें हैं। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में युवा संगम कार्यक्रम आरंभ हुआ है। तो ये युवा संगम जो कार्यक्रम है किस राज्य में आरंभ हुआ है दोस्तों, ये किया गया है ध्यान रखिएगा गुजरात में। करेक्ट आंसर इज ए है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, कह रही हूँ जिनको आंसर पता है वो वीडियो पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश क्या करें। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि ये युवा संगम है क्या। ध्यान रखिएगा जो युवा संगम है, जितने भी देश के युवा हैं, शेष देश के और पूर्वोत्तर भारत के युवा हैं उनके बीच का ये एक संगम है। ठीक है, मेल मिलाप है, और जितने भी जो पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य और जो शेष भारत है उनके जो युवा है उनके बीच में एक संपर्क जो है, उस संपर्क को मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम जो है युवा संगम कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ दोस्तों, तो गुजरात के IIT गांधीनगर में। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि युवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई है वो गुजरात के IIT में, IIT गांधीनगर में किया गया है। इसका जो उद्घाटन की बात करें तो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद है और सामाजिक कार्यकर्ता है सत्यनारायण मुंडयूर, यहाँ पे मुंडयूर, इन्हीं के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो पहल है, कौन सी पहल, संगम युवा संगम कार्यक्रम जो है ये पहल है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय की पहल है जो कि किसके तहत की जा रही, एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो गवर्नमेंट का कार्यक्रम है कि सभी भारत जो एक भारत है और ये श्रेष्ठ भारत है, इसी कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय ने इस कार्यक्रम युवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत की है। कहाँ दोस्तों, गुजरात के IIT गांधीनगर में। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले इस कार्यक्रम मैंने बताया कि जो शेष भारत है उसको किससे, शेष भारत के जो युवा है और पूर्वोत्तर भारत के युवा है उनके बीच में जो संपर्क है, ठीक है, जो कनेक्शन है उसको क्या करना, मजबूत करना। तो इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे असम से जो है 18 जो है छात्र और जो बाहरी कैंपस के जो युवा हैं वो गुजरात पहुंचेंगे। ठीक है, और ये गुजरात से लगभग देखा जाए 53 युवा कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों, असम पहुंचेंगे। तो ये दोनों जो है राज्यों के युवा एक दूसरे के क्षेत्र में पहुंचेंगे, फिर करेंगे क्या, ये सप्ताह भर यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान ये जो छात्र है जो राज्य है, जैसे असम के छात्र जो गुजरात में गए हैं उस गुजरात के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे, वहाँ की कला के बारे में, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जीवन, वहाँ के स्थलों, विभिन्न पहलुओं पर क्या करेंगे, अनुभव साझा करेंगे, अनुभव लेंगे कि भाई ये हमारा देश कैसा है। उसी तरीके से गुजरात के युवा जब जाएंगे असम में तो ये चीज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि युवा संगम किसके द्वारा दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये गुजरात के IIT गांधीनगर में आरंभ किया गया। ठीक है, उद्देश्य आप समझ रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उनके सपने को पूरा करना। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हो गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो देश है जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन, यानी कि ध्यान रखिएगा कृषि जो एग्रीकल्चर है उसमें नए नए इन्वेंशन को बढ़ावा देना, यही कृषि नवाचार मिशन है, नाम से ही पता चल रहा है। और कौन से नवाचार? ऐसे नवाचार जो हमारे जलवायु परिवर्तन जिस तरीके के हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, उस क्लाइमेट चेंज के अनुरूप ऐसे फसलों का उत्पादन हो उसके लिए नए नए इन्वेंशन को लाना, ठीक है। और अभी इसमें जो शामिल हुआ है दोस्तों, ये शामिल हुआ है भारत, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए भारत जो है कृषि नवाचार मिशन, ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर इन्वेंशन मिशन में क्या हो गया है, शामिल हो गया है। इस मिशन की बात किया जाए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस तरीके की जलवायु परिवर्तन हो रही है उसमें क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव फसलों पे ही होगा, ठीक है। तो ऐसे फसलों का जो है उत्पादन किया जाए जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको क्या करे, सहन कर सके। उसके लिए साइंटिस्ट भी क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बीजों का उत्पादन कर रहे हैं जो जलवायु अनुकूल हो, जैसे कि सूखे में भी क्या करे फसलों का उत्पादन हो सके, अधिक कम पानी हो, धूप बहुत तेज हो, तो इन सब चीजों को सहन कर सके। तो इसके लिए क्या है, नए नए इन्वेंशन लाना। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नए इन्वेंशन को बढ़ावा देना और इसी के माध्यम से ऐसे फसलों को जो है ऐसे फसलों का खोज कर ऐसे फसलों को लाना जो जलवायु के जो जलवायु परिवर्तन को सहन कर सके। और ये पहल जो चलाई गई है, ध्यान रखिएगा जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन, ये पहल संयुक्त यहाँ पे जो है देखा जाए अमेरिका के, संयुक्त पहले किस देश के साथ शुरू किया गया था दोस्तों, तो यूएई के साथ। ध्यान रखिएगा नवंबर 2021 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी भारत, माफ करिएगा अमेरिका और यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया था। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कृषि नवाचार मिशन, तो इस मिशन की शुरुआत देखिए क्या किया गया था, जलवायु स्मार्ट कृषि, ठीक है, यानी कि इस तरीके की कृषि जो जलवायु परिवर्तन का उस पर कोई विशेष प्रभाव ना पड़े, खाद्य प्रणाली जो है हमारा जो फूड सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या करना, नए नए इन्वेंशन लेकर के आना, ठीक है, और इसके लिए निवेश को बढ़ाना और उसमें समर्थन में तेजी लाने के लिए इस जो है तेजी लाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। अब जैसा कि भारत भी इस मिशन में शामिल हो गया, तो भारत जो है इसके साथ ही 42 सरकार, ठीक है, सहित 275 से अधिक भागीदारों में शामिल हो गया। तो इस मिशन में देखा जाए 275 से अधिक जो है वो देश इसमें शामिल है, भारत भी इसमें शामिल हो गया है। और जो निवेश का समर्थन करके जो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन है उसको सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने का काम अब करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से इस मिशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है, इस चीज के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए ये जो संयुक्त पहल है ये अमेरिका यूएई की है, वर्ष 2021 नवंबर में लॉन्च किया गया था। भारत भी अब जो है इसका सदस्य हो गया है, इसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट में, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स जारी किया गया है। जब भी कोई इंडेक्स जारी करता है तो हमारे लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बात तो जो वो इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, चूंकि इंडेक्स है तो देशों को रैंकिंग प्रदान की गई, तो सबसे पहले कितने देश उस जो है इंडेक्स में शामिल थे, भारत सबसे पहले हम देखेंगे भारत का उस इंडेक्स में क्या रैंक रहा है, क्या भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में इंप्रूव किया अपने स्थान को या फिर क्या किया है, उसका स्थान और नीचे गया है। फिर दूसरी देखेंगे सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, फिर हम देखेंगे सबसे अंतिम पायदान पे कौन सा देश रहा है, ये दो तीन चीजें जो है हमें देखनी पड़ती है। और ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है वो किन मानकों पे, वो किसी किसी का पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया है इसमें भारत देखिए किस स्थान पे है, ये 42वें स्थान पे पहुंच गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखा जाए ये जो इंडेक्स है अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स, ठीक है, द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो जारी किया जाता है ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, माफ इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस साल देखा जाए इसमें 55 देश शामिल किए गए थे इस इंडेक्स में और भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, 42वां स्थान हासिल किया, ठीक है। और अगर हम शीर्ष स्थान पे देखें तो अमेरिका जो है वो आईपी इंडेक्स में पहले स्थान पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखा जाए ये वार्षिक यानी कि हर साल इस इंडेक्स को जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक, इसमें दुनिया के उन 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण का मूल्यांकन करता है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये इन उन देशों का जो है क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है।
ठीक है, इसमें बात करें कितने संकेतों को शामिल किया गया था या फिर ये जो इंडेक्स जारी किया गया था वो कितने संकेतों के आधार पर, तो ये जो इंडेक्स है उसमें 50 संकेतों पर आधारित रैंकिंग जारी की गई थी। ठीक है, इनमें देखा जाए क्या है, पेटेंट और कॉपीराइट कानून से लेकर बौद्धिक संपदा संपत्तियों के मुद्रीकरण की क्षमता और अंतरराष्ट्रीय समझौते की अभिपुष्टि तक सब कुछ शामिल है। तो संकेत में क्या क्या है, एक तो देखा जाए यहाँ पे जो पेटेंट होता है किसी भी चीज का पेटेंट कराना या कॉपीराइट कानून है, इन सब के आधार पे कि किसी देश में इस तरह का कानून किस तरीके का, बौद्धिक संपदा जो संपत्ति उसका मुद्रीकरण की क्षमता किस आधार पे है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते की अभिपुष्टि, इन सब संकेतों के आधार पर रैंक जारी किया जाता है। ठीक है, और भारत जो है कितने स्थान पे, 55 देश है, माफ करिएगा, जिसमें 42वें स्थान पे भारत है और पहले स्थान पे कौन सा है, अमेरिका है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। देखिए, इस देश में डेंगू का काफी ज्यादा प्रकोप बढ़ गया था जिसकी वजह से यहाँ की सरकार ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। कौन से देश में दोस्तों, पेरू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेरू जो है ये साउथ अमेरिका का देश है। ठीक है, उसके वेस्ट में स्थित है, लीमा इसकी कैपिटल है पेरू की। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका का जो देश है पेरू, यहाँ पे देखा जाए काफी ज्यादा डेंगू के जो है केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो डेंगू का जो प्रकोप बढ़ गया था जिसको लेकर करके वहां पे जो है 90 दिनों का यानी कि लगभग 3 महीने का क्या किया गया, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, यहाँ पे डेंगू का जो प्रकोप इस देश में बढ़ रहा है पेरू में, ये देखा जाए भाग देखा जाए जो उत्तर है, मध्य, दक्षिण पूर्व में लगभग 13 विभागों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा कि डेंगू का जो प्रकोप है वो इस समय पेरू में काफी ज्यादा बढ़ गया है। अभी देखिए, एक ऐसा जो है ये रोग जो वाहक है, ठीक है, मलेरिया रोग वाहक एक ऐसा हमें मिला है जो काफी ज्यादा खतरनाक है केन्या में। तो केन्या जो कि अफ्रीका की कंट्री है, केन्या, वहां पर देखा जाए ये यहाँ पे एशिया से भी जो एशिया में जो अभी तक जो मलेरिया के वाहक रहे हैं, मलेरिया जो बीमारी है उसके जो वाहक रहे हैं मच्छर, उससे भी ज्यादा खतरनाक एक वाहक हमें जो है में देखने को मिला है। क्या नाम है रोगवाहक, मलेरिया रोगवाहक, क्या नाम है, एनोफिलीस स्टेफेंसी। ध्यान रखिएगा, एनोफिलीस स्टेफेंसी। और यहां पे जो है बात करें इसकी, तो ये ध्यान रखिएगा केन्या में जो है ये अफ्रीका, केन्या जो है ये ऐसा अफ्रीका का छठा देश है और नवीनतम देश है जिसमें देखा जाए ये घातक मलेरिया प्रजातियों के संक्रमण की क्या मिली है, सूचना मिली। तो ये रिसेंट का भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश में अभी हाल ही में मलेरिया रोगवाहक, क्योंकि घातक मलेरिया रोगवाहक एनोफिलीज स्टेफेंसी का पता चला है, तो केन्या में पता चला है। ठीक है, इसके बारे में बात करें, ये जो मलेरिया रोगवाहक मच्छर है, ठीक है, इसके देखिए रोगवाहक क्या होता है, रोग जो होता है वो किसी और कारण से हो रहा है। ठीक है, मलेरिया देखिए प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी से होता है, लेकिन परजीवी को मानव शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, मच्छर करते हैं, इसलिए उनको वाहक कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उस चीज को लेके वहां तक जा रहे हैं, उस परजीवी को मानव शरीर में प्रवेश कराने का कार्य ये मच्छर करते हैं, इसलिए उनको वाहक कहा जाता है। कारण ये नहीं होते हैं, ये वहां तक पहुंचाने वाले होते हैं, कारण प्रोटोजोआ होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। एनाफिलीज स्टेफेंसी की बात किया जाए तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया और अरब प्रायद्वीप में हुई थी। ठीक है, अब वहां पे भी ये केसेस देखने को मिल रहा है। ये जो अभी ये नया खत जो हमें देखने को मिला है, ये जो नया वाहक जो है ये काफी खतरनाक भी एक तरीके से, ये मामला अपने आप में काफी खतरनाक है, क्योंकि जैसा कि अगर हम बात करें जितने भी अभी तक मलेरिया के जो वाहक रहे हैं, जैसे कि मादा एनाफिलीज रही है, ठीक है, मच्छर जो हमेशा मादा रहती है, वो मादा एनाफिलीज जो है वो वाहक रही है मलेरिया की। ठीक है, वो क्या है, वो जो मलेरिया जो है, मलेरिया पैदा करने वाले जो वाहक होते हैं उसके ये विपरीत वाहक है एनाफिलीज स्टेफेंसी। क्यों भाई, क्योंकि अगर हम की बात करें, अन्य जितने भी मलेरिया पैदा करने वाले वाहक रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही वो क्या कर सकते थे, प्रजनन कर सकते थे, उनका रिप्रोडक्शन होता था, वो अपनी संख्या को बढ़ाते थे। लेकिन ये जो एनाफिलीज स्टेफेंसी ये काफी ज्यादा अत्यधिक अनुकूल है, कहीं के भी वातावरण में ये अपने आप को ढाल लेती है और ये शहरी वातावरण में भी पनप सकता है, ये अपना क्या कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, जिस कारण से ये संभावना है कि इसके वजह से आने वाले दिनों मलेरिया के केसेस बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में, ध्यान रखिएगा मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी से
ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इसी के कारण ये जो है मलेरिया होता है, जिसका वाहक कौन है, मलेरिया का वाहक दोस्तों कौन है, ये मादा एनाफिलीज है। ठीक है, मादा एनाफिलीज के माध्यम से ही मलेरिया होता है। ध्यान रखिएगा, डेंगू जो है, डेंगू किससे होता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक चीज और हो जाती है। मलेरिया देखिए प्रोटोजोआ से होता है, क्योंकि हमने डेंगू का प्रकोप देखा कहां पे दोस्तों, पेरू में देखा। पेरू देखिए किससे, डेंगू किससे होता है, डेंगू वायरस से होता है। ध्यान रखिएगा, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। कौन से वायरस से दोस्तों? तो ये होने वाली है फ्लेवी वायरस से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्लेवी वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, ये हमने बताया फ्लेवी वायरस से होने वाली। कभी कभी इसको अरबो वायरस भी कहते हैं। ठीक है, अरबो वायरस भी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख सकते हैं हम। ठीक है, तो मलेरिया देखिए परजीवी से हो रहा है और डेंगू वायरस से हो रहा है। मलेरिया का वाहक कौन है दोस्तों? मादा एनाफिलीज है। लेकिन डेंगू का वाहक की बात किया जाए तो एंडीज मच्छर है। ध्यान रखिएगा, एंडीज मच्छर जो है ये इसके वेक्टर है। ये थोड़ा सा आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा। मलेरिया से देखिए, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? प्लीहा। प्लीहा जिसे स्प्लीन कहते हैं, माफ करिएगा, प्लीहा, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा जो है इससे प्रभावित होने वाला अंग है। लेकिन अगर हम बात करें प्लीहा, जिसको हम क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, कब्रिस्तान, क्योंकि आरबीसी जो डेड होकर के इसी में जाती है, आरबीसी का कब्रिस्तान है ये। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल। लेकिन ये प्लीहा को प्रभावित करता है, प्लीहा में सूजन आ जाती है, मलेरिया। लेकिन डेंगू जो प्रभावित करता है, डेंगू में देखिए क्या होता है, एक तो तेज बुखार होता है, जो जोड़े होते हैं हमारे, ज्वाइंट होती है वो पेन करने लगती है। दूसरी प्लेटलेट्स जो होती है हमारी बॉडी की, जो प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या होती है, वो कम होने लगती है, गिरने लगती है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में क्या करता है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में जो ब्लड क्लॉट होता है, रक्त का थक्का बनाने में जो है सहायक होता है। अगर प्लेटलेट्स गिरने लगती है तो हमारे बॉडी में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है ठीक से, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपको किसी को डेंगू होता है तो उसके नाक कान गले से क्या होने लगता है दोस्तों, नाक कान हो गया, मुंह से खून आने लगता है, क्योंकि प्लेटलेट्स डाउन होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये मादा जो है एंडीज मच्छर से डेंगू फैलता है वायरस से, ये जो है ये परजीवी से होता है, मादा एनाफिलीज। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये आपसे पूछा गया है। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया भाई कि भाई बताओ जो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपने देखा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है, डेंगू डे ध्यान रखिएगा, नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो मलेरिया डे कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को, 16 मई को नेशनल डेंगू डे। इन दोनों के डिफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के ही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज मैंने काफी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड दी है, ये सारी चीजें पॉइंट आउट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसीलिए मैं कहती हूँ शॉर्ट नोट्स और पेन लेकर के जरूर बैठा करिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा देश 31वें विश्व पुस्तक मेले में विशेष अतिथि के रूप में भाग ले रहा है? तो देखिए, 31वां विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, दिल्ली में किया जा रहा है, और जो मुख्य अतिथि देश के रूप में भाग ले रहा है वो ले रहा है फ्रांस ले रहा है। ठीक है, फ्रांस ले रहा है। आइए इसके बारे में बात करते। देखिए, जो ये 31वां विश्व पुस्तक मेले का आयोजन शुरू हुआ है वो 25 फरवरी से शुरू हुआ है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, 31वां है, कहां पे, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में जो प्रगति मैदान है वहां पे इसका आयोजन शुरू हुआ है। इसका जो उद्घाटन किया गया है विश्व पुस्तक मेले का, वो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा किया गया है। 25 फरवरी से ये जो है मेला, ये फेयर जो शुरू किया गया है, वर्ल्ड बुक फेयर, और ये 5 मार्च तक चलेगा। ठीक है, इस पूरे मेले का जो आयोजन किया जा रहा है वो भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस पुस्तक मेले में जो विशेष अतिथि देश के रूप में भाग ले रहा है वो कौन ले रहा है दोस्तों? फ्रांस ले रहा है। ठीक है, फ्रांस ले रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी थीम की बात करें तो जो G20 की थीम है उसी के साथ साथ जो है ये पुस्तक मेले के क्या किया गया, थीम को एकीकृत कर दिया गया। और इस मेले के दौरान ये जो
फेयर लगाया गया है। इस दौरान जितने भी G20 सदस्य देशों की पुस्तकों का क्या किया जाएगा, प्रदर्शनी भी आयोजित किया जाएगा, यानी कि ग्रुप 20 जो G20 के सदस्य देश है उनकी जो पुस्तक है, उनकी जो बुक है, उनको भी इस जो है फेयर में उनकी भी बुक को क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ल्ड बुक फेयर जो कि आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, 31वां है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो लोग दिल्ली में है वो लोग जाकर के ये जो है वर्ल्ड बुक फेयर जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। मैं एक बार का गई हूँ, काफी अच्छा रहता है। यहाँ पे आपको बहुत तरह की बुक देखने को मिलती है और काफी एकदम जेन्युइन रेट में बहुत सस्ती से सस्ती अच्छी से अच्छी बुक मिलती है, और ऐसी जगहों पे जरूर जाना चाहिए। तो जो लोग दिल्ली में वो लोग जा सकते हैं। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न सबसे पहले ये बताइए कि फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वो किस नदी के किनारे स्थित है, और नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रमुख वर्तमान में कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी पहली बार इंडोनेशिया पहुंची है। तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी कि आसियान देशों में भारत जो है जिस तरीके से अपना पहुंच बना रहा है, उसी के तहत देखा जाए ये पहली बार जो ऐसा हुआ है कि कोई पनडुब्बी इंडोनेशिया तक पहुंची है। और ये कौन सी है दोस्तों, INS सिंधु केसरी। ठीक है, सिंधु केसरी ये जो पहुंची, करेक्ट आंसर इज बी। IS के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बात करें तो जिस तरीके से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो आसियान हम कह सकते हैं, उन देशों के बीच और भारत के बीच जो है जो सैन्य सहयोग के अनुरूप देखा जाए तो ये भारतीय नौसेना की किलो वर्ग की पारंपरिक जो पनडुब्बी है INS सिंधु केसरी, ये 22 से लेकर के 24 फरवरी तक पहली बार जकार्ता, ठीक है, जो इंडोनेशिया कैपिटल है, वहां ये पहुंची है। ठीक है, बात करें ये जो जो ये पनडुब्बी गई है वो किस रास्ते से होते गई है, तो ध्यान रखिएगा ये सुंडा जल डमरू मध्य यानी कि सुंडा स्ट्रेट को पार करते हुए गई है, और ये ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए इंडोनेशिया में पहला डॉकिंग किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये डॉकिंग के क्षेत्र में, डॉकिंग क्षेत्र वो होता है जहां पे जो नावें देखते हैं किनारे किनारे, आप बंदरगाह देखिए जहां पे नावें एक साथ लगाई जाती है, कोई भी जो है बोट वगैरह एक साथ लगी रहती है, तो उसी तरीके से उसी को डॉकिंग कहते हैं, जहां पे कोई चीज रखी जा रही है तो जो नावें एक साथ लगाई जाती है उसी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य पहुंच को ये दर्शा रहा है, भारत की पहुंच एक तरीके से दर्शाया जा रहा है। इसके साथ ही देखा जाए तो यह आसियान में एक राजनयिक भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी होने की भारत की प्रकृति को भी दर्शाता है, और ध्यान रखिए कि पहली बार ऐसा है कि जब कोई पनडुब्बी यानी कि भारत की कोई पनडुब्बी इंडोनेशिया का दौरा कर रही है। चूंकि हमने बताया ये किस रास्ते से होते हुए जा रही दोस्तों, ये सुंडा जल डमरू मध्य यानी कि सुंडा स्ट्रेट से होते हुए जा रही, तो आइए देख लेते हैं सुंडा स्ट्रेट कहां पे। ये देखिए आपके सामने ये मैप है, उम्मीद कर रही दिख रहा होगा, आज काफी मैंने साइड में चीजें की। देखिए ये देखा जाए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सुंडा स्ट्रेट है, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया में, अगर आपसे इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया द्वीपीय देश है, द्वीपों का देश है, तो कौन से द्वीप पे है, तो ध्यान रखिएगा अगर इंडोनेशिया में देखा जाए तो ये सुमात्रा द्वीप है, ठीक है, ये सुमात्रा है, ठीक है, ये इंडोनेशिया में स्थित है और ये जावा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि सुंडा स्ट्रेट किन के बीच में स्थित है, सुमात्रा और जावा को ये अलग करता है, जो कि दोनों द्वीप किसके हैं, इंडोनेशिया के हैं, और ये कनेक्ट किसको करता है, तो इंडियन ओशन को, हिंद महासागर को जावा सी से, जावा सागर से क्या कर रहा है, सुंडा स्ट्रेट जोड़ रहा है। ध्यान रखिएगा स्ट्रेट मैंने आपको बताया क्या होता है, जो दो जल संधियों को जोड़ता है, जल संधि जो दो जल संधियों को जोड़ा और जो दो भूमि को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, तो यहां अलग किसको कर रहा है, सुमात्रा को जावा को अलग कर रहा है, जोड़ किसको रहा है, इंडियन ओशन को जावा सी से जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में कई बार ये प्रश्न पूछा गया। ये देखिए मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी किससे, ये भी इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से, और ये ध्यान रखिएगा सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का व्यस्तम जो है स्ट्रेट के रूप में ये जाना जाता है। वहीं पे अगर आप देखा जाए लुम्बोक स्ट्रेट भी इंडोनेशिया में स्थित है, यहाँ पे देख सकते हैं एक और स्ट्रेट आपको दिख रहा है लुम्बोक स्ट्रेट। ठीक है, तो ये स्ट्रेट आपको इंपॉर्टेंट है जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई से संबंधित है, हमने इसको देखा। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है, खासकर स्पेशली देखा जाए तो यहाँ से आपके मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया का दौरा करने वाली पहली पनडुब्बी कौन है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा INS सिंधु केसरी, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चूंकि हम बात करें दक्षिण पूर्वी एशियाई जो है एशियाई देशों, यहाँ पे हम कह सकते हैं आसियान देश, तो आप मुझे बताइए आसियान जो देश है उसमें कितने मेंबर्स हैं,
ठीक है, इसके स्थापना कब हुई, ठीक है, इसके कब स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है कि जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला, ठीक है, प्रतिबंधित करने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया, ये वाला था, ये पहला शहर कौन सा बन गया दोस्तों, सिएटल, ठीक है, ये वाशिंगटन डीसी का एक शहर है, सिटी है वाशिंगटन डीसी, जो कि कैपिटल है किसकी दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है, उसी का ये शहर है सिएटल, और यहाँ पे जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है, इस तरह का कानून लाया गया है, तो ये जो है सिएटल शहर है यहाँ पे जाति भेदभाव को प्रतिबंधित लगाने, जो प्रतिबंध लगाने वाला ये अमेरिका का पहला शहर बन गया। और ध्यान रखिएगा जिस तरीके का यहाँ पे कानून जो पास किया गया जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए, इस तरह का कानून भी पारित करने वाला ये दुनिया का पहला शहर बन गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो कानून है वो सभी धर्मों पे लागू होंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, सही सभी धर्मों पर ये कानून लागू होगा। और ये जो है सिएटल की बात किया जाए दोस्तों, तो ये अमेरिका के वाशिंगटन जो शहर है उस राज्य का ये प्रमुख शहर होने के साथ साथ वहां का ये प्रमुख बंदरगाह भी है, ठीक है, पोर्ट सिटी है ये। ये जो कानून पारित किया गया है इसमें क्या क्या बातें की गई हैं, तो ये 6-1 से जो है ये पारित किया गया कानून, ठीक है, इसमें भेदभाव विरोधी कानून ने, देखिए क्या कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव राष्ट्रीय और धार्मिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, और ऐसे कानून के बिना उन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती है जो जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं। तो मतलब जिस तरीके का वहां पे जाति के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है कास्ट बेस बना करके, तो ऐसे भेदभाव को रोकने के लिए कानून का होना बहुत जरूरी, बिना कानून के इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं वो नहीं हो सकती, जिस कारण से इस शहर में, जो शहर के द्वारा एक कानून बनाया गया है, ठीक है, सिएटल, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लोकेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस सदस्यता निलंबित कर दी, तो यहाँ पे किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी गई है दोस्तों FATF के द्वारा, तो रूस की कर दी गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सदस्यता को निलंबित किया गया है, रूस को पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है, अभी निलंबित है ये, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये ग्लोबल एंटी जो है मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग है, ध्यान रखिएगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग को देखने वाला वॉच डॉग कहा जाता है FATF को, पूछा जा सकता है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग संस्था कौन सी दोस्तों, तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और इसने भी हाल ही में यानी कि 24 फरवरी को जो अभी जो देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और 24 फरवरी को इस युद्ध को एक साल हुआ था, और इसी के मतलब परिणाम स्वरूप देखा जाए एक तरीके से रूस को FATF के सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे FATF की बात करें तो FATF ने जो यूक्रेन पे जो रूस ने कहा, FATF का मानना है कि एक तरीके से अवैध अकारण और अनुचित जो पूर्ण रूप से सैन्य आक्रमण किया गया है उसके कारण से रूस की सदस्यता को क्या किया गया, निलंबित किया गया, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही FATF ने यह भी कहा रूस अभी भी FATF मानकों को लागू करने के अपने दायित्व के जवाबदेह बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे तो FATF के साथ, इसके साथ ही देखा जाए तो FATF ने कुछ देशों को क्या किया है, इसके साथ एक तो सदस्यता को भी निलंबित किया रशिया के, उसके साथ ही कुछ देशों को अपने ग्रे लिस्ट में भी शामिल किया, जिन देशों में जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में जो देश असफल रहे हैं या फिर जो मानक है उसको पूरी तरीके से लागू करने में असफल रहे हैं, तो इन देशों में देखिए कुछ देशों को विशेष जांच वाले देशों की जो सूची है, कौन सी सूची है, ग्रे लिस्ट, उसमें शामिल किया किसको, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया, इन दो देशों को शामिल किया, देखिए एक तरीके का आक्रोशी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले पढ़ा है मोसी टू, ठीक है, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है मोसी टू, जिसका आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, रूस और चीन के बीच में, एक तरीके से ये अपने आप में आक्रोश भी लग रहा है कि जिस तरीके से पक्ष लेना, मतलब एक तरीके से रशिया और दक्षिण अफ्रीका के आपस के संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए ये भी आक्रोश लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बात करें इसी के साथ साथ कुछ देशों को इसने अपनी ग्रे सूची से हटाया भी है, जैसे कि मोरक्को और कंबोडिया को, ठीक है, जिन्होंने अपने आप नियंत्रण में सुधार किया है मनी लॉन्ड्रिंग के क्षेत्र में या फिर टेरर फंडिंग के क्षेत्र में, जो उन्होंने सुधार किया है, जिस कारण से उनको इस सूची से बाहर भी किया गया, ठीक है, आइए बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसको जो बनाया गया था स्टार्टिंग में मनी लॉन्ड्रिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया था, लेकिन जब विश्व यहाँ पे जब वर्ल्ड ट्रेड जब सेंटर गिरा था, ठीक है, उसके बाद से इसको जो है टेरर फंडिंग को भी जोड़ दिया गया था, तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों FATF की वो 1989 में हुई थी,
पेरिस में हुई थी, ठीक है, जब G7 जो देश है उनकी जो बैठक हुई थी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, उस दौरान जो है इस टास्क फोर्स का क्या किया गया था, गठन किया गया था। हेडक्वार्टर भी देखिए इसका पेरिस में ही है, और पेरिस में जो आर्थिक सहयोग विकास संगठन यानी कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है, उसी हेडक्वार्टर में जो है FATF का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम मेंबर्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें 39 मेंबर्स हैं, भारत भी इसका सदस्य है, और दो क्षेत्रीय संगठन भी है, कौन कौन से, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद, इंपॉर्टेंट। यहाँ के जो अध्यक्ष है वो राजा कुमार है, और भारत जो है FATF का जो सदस्य बना था वो 2010 में बना था, ठीक है। ये सारे आपको मेंबर्स दिख रहे हैं, जब क्लास ओवर हो जाएगी PDF डाउनलोड करके इनके मेंबर्स को आप देख लीजिएगा। बात करें FATF के बारे में, ये किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर, ठीक है, काले धन के क्षेत्र में जो है उसको रोक लगाने के लिए, टेरर फंडिंग, कोई भी देश अगर आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है तो ऐसे देशों पर निगरानी रखता है, ऐसे देशों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पहले क्या करता है भैया, उनको सूचित करता है कि तुम ये जो टेरर फंडिंग कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोको। इसके लिए वो उस देश को ग्रे सूची में शामिल कर देता है। ग्रे सूची में एक तरीके से शामिल करने का उद्देश्य ही यही है कि उसको चेतावनी होती है, अगर वो देश सुधर गया तो ठीक है, नहीं सुधरा तो उसको उठा करके ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देता है, ठीक है। ये सब जैसे मुद्दों पर जो है दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का कार्य करता है FATF। इसके द्वारा दो सूची जारी की जाती है, एक ब्लैक, यहाँ पे ग्रे लिस्ट, और दूसरा ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है अगर किसी देश को ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये आपको दिया गया है, थोड़ा सा टाइम निकाल करके अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट प्रश्न की, और हमारा आज का लास्ट MCQ है कि केंद्रीय कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। तो गुयाना है, सिंगापुर है, मिस्र है, मोरक्को है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुयाना, ठीक है। तो ये गुयाना जो है वहां पे यहाँ पे जो भारत और जो इनके बीच में, गुयाना के बीच में जो हवाई सेवा समझौता हुआ था उसको कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। तो इस कैबिनेट की जो अध्यक्षता की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच में जो हवाई सेवा समझौता हुआ था उसको क्या कर दिया है, मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये जो हवाई सेवा समझौता है वो दोनों पक्षों के बीच राजनयिक आदान प्रदान के बाद लागू होगा, जो इस बात की पुष्टि करेगा कि प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया को पूरी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बात करें समझौते के हस्ताक्षर करने से क्या होगा, जो दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रावधान की एक रूपरेखा तैयार होगी, ठीक है। देखिए गुयाना की बात करें दोस्तों, तो ये दक्षिण अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका का ये देश है। देखिए दूसरा साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं हम लोग देश, अभी पेरू को पढ़ा हम लोगों ने, अब गुयाना को पढ़ रहे हैं। ब्राजील के नॉर्थ में ये स्थित है, जिसका देखा जाए बाउंड्री जो शेयर होती है वो ब्राजील से होती है, सुरीनामा से होती है, ठीक है, वेनेजुएला से होती है। अगर हम बात करें गुयाना का कैपिटल, देखिए क्या है, जॉर्ज टाउन है, जो कि एक शहर है, बंदरगाह शहर, अटलांटिक ओशन में स्थित है, ठीक है। और यहाँ की जो अगर मुद्रा पूछी जाए दोस्तों क्या हो जाएगी, तो गयानी डॉलर जो है वो यहाँ की करेंसी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा जागुएना जो है ये साउथ अमेरिका का देश है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की, ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यहाँ पे बात करें पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, किस राज्यपाल के, तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं एस अब्दुल नजीर। वही बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया, और बजट या फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। बजट की राशि क्या है, 6.90 लाख करोड़ जो है ये राशि है। वही बात करें मुंबई का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम बदल करके जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो गवर्नर थे, पहले गवर्नर थे आजादी के बाद, उनके नाम पे रखा गया। क्या नाम पे रखा गया, सीडी देशमुख। नाम क्या होगा, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब क्या रखा जाएगा, चिंतामन राव देशमुख स्टेशन, ठीक है। वही बात करें अंतरराष्ट्रीय T20 में 3000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की चौथी महिला क्रिकेटर बनी कौन,
हरमनप्रीत कौर, ध्यान रखिएगा ये भारत की पहली है, इन्होंने 3000 से अधिक रन बनाए हैं अंतरराष्ट्रीय T20 में। अगर हम देखें जो अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है वो अंतरराष्ट्रीय T20 में, वो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक रन का, वो 3820 है। किसने बनाया? न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट फैक्ट ऑफ द डे है कि ऑपरेशन गंगा द डायरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये तरुण पिथोड़े हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें करंट अफेयर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लग रही है चीज़ें तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने ग्रुप में जो है लिंक को शेयर करिए आप लोग, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है करंट अफेयर की क्लास पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और बाकी लाइक्स बढ़ाएं, आप लोग कमेंट करें जो भी आपका जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, और जाइए डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए। बाकी फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।